हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए डॉक्टर सिकंदर कुमार निर्विरोध सांसद चुन लिए गए हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में विधानसभा सचिव ने सिकंदर कुमार को राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने का सर्टिफिकेट सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर सिकंदर कुमार को राजनीतिक पारी के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि सिकंदर कुमार राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उठाने में कामयाब होंगे, जिसे प्रदेश के विकास को और अधिक बल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सिकंदर कुमार का प्रदेश में अहम योगदान रहा है और अब राजनीतिक जीवन में भी वे प्रदेश की सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सिकंदर कुमार के निर्विरोध चुने जाने में कांग्रेस पार्टी के सहयोग का आभार प्रकट किया। वहीं राज्यसभा सांसद बने सिकंदर कुमार ने नई जिम्मेदारी के लिए भाजपा हाईकमान और प्रदेश भाजपा नेतृत्व के साथ साथ कांग्रेस का भी आभार जताया और कहा कि प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने के लिए राज्यसभा में प्रदेश की आवाज़ बुलंद करेंगे। प्रदेश का आर्थिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और खेल को आगे बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता रहेगा। वहीं इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे विश्व के नेता, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, परम श्रद्धे श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत के गृह मंत्री परमादरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धे श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे साथ में यूडी मिनिस्टर मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी व भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय व प्रदेश के शीर्ष व सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, सभी विधायकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा है, मैं उस पर खड़ा उतरने का पूरी कोशिश करूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया, मेरे खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। और जहाँ तक मेरी प्रायोरिटीज़ की बात आप कर रहे हैं, तो मेरी प्रायोरिटीज़ रहेगी कि जो प्रदेश की गति, विकास की गति है, उसको केंद्र की सहायता से कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश के नेतृत्व के साथ बातचीत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी योजनाएं केंद्र से लानी होंगी, उसमें मेरा प्रयास रहेगा। प्रदेश की आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जाए, शिक्षा क्षेत्र में कैसे गुणात्मक सुधार लाए जाएँ, खेल को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगारों को कैसे और रोजगार के अवसर मिलें, ये सब मेरी जो है वो प्रायोरिटीज में रहेगा। धन्यवाद। इस तरह की वो जानकारी हमको प्राप्त हुई और उस पर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत बोला था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ बातचीत हुई है और आगे से इस प्रकार की घटना नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट जिस प्रकार से वो सारी चीज़ों को वहाँ पर वो कर रहे थे, और उस पर मैं ज़्यादा अभी उचित नहीं बोलना समझ रहा हूँ। हमने सारी डिटेल्स उसकी मांगी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस वजह से हुई थी और ऐसी करने की वजह क्या बनी इतनी ज़्यादा। तो ऐसे में क्योंकि वहाँ पंजाब के जो टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आए थे, कुछ झंडे लगा करके अपनी गाड़ी में घूम रहे थे और जिसमें ये पाया गया है कि वो झंडे जो लगाए गए, निशान साहब के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार से उसमें कुछ और चीज़ों का उसमें जिक्र हुआ है, वो चिंता का विषय है और उन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। भिंडरा वाले का चित्र होना और उसके साथ में कुछ और चीज़ों का भी जिक्र होना उसमें, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये सारे मामले को पंजाब सरकार के साथ जिस तर्ज पर उठाने की ज़रूरत थी, हमने उठाया है।